किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे 130 साल पुराना मकान। ये बहुत पुराने टाइम का है, 130 साल वैसे ही नहीं कटते और आज भी इसकी मुरम्मत कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे नीचे का मकान है ये 130 साल पुराना, ये चुबारा इसके ऊपर बाद में बनाया गया है और इसकी जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और ये कहाँ पर बनाया हुआ है और किस गाँव में है और कौन से राज्य में आप इसको देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो। तो चलिए मिलते हैं मकान के अब जो मालिक हैं उनसे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत। और पहले तो आप अपना नाम बताओ क्या जी? आवासिंग है जी। आवासिंग। और गांव और डिस्ट्रिक्ट? गांव चिड़िया, डिस्ट्रिक्ट गांव चिड़िया, चरखी दादरी। चरखी दादरी, चरखी दादरी। तो जैसे ये मकान आज आपके पास है, आप मालिक उसके? हाँ। तो ये आपने कितने साल पहले खरीदा था? ये हमने 91 में खरीदा था। 1991 में। और 6 महीने आपने पूरी जमीन ने खरीद ली थी? हाँ, ये पूरी 4 किला, 4 किले, 4 दीवारी है और ये 4 किला है, मतलब 4 एकड़ जमीन है, इसके चारों तरफ से 4 दीवारी है। हाँ, चारों तरफ। और ये मकान बनाया हुआ था? ये बनाया हुआ मकान था, पहले का पुराना जमाना का मकान है। पुराने जमाने? हाँ, ये कोई 56 जैसी जो साल है वो, जैसे सम्मत बोलते हैं। हाँ, सम्मत बोलते हैं। हाँ, 56 की सम्मत में बना हुआ है। हाँ, 56 का कार था, उस कार के टाइम में ये सेठ था जो अब हैदराबाद जा रहे हैं, उनको सोनीचंद जी का व्यापार, सोनीचंद जी का व्यापार, उनका सोनीचंद जी का व्यापार हैदराबाद में। तो उनसे ये खरीदा था, उनका स्कूल भी है गाँव में, स्कूल भी है पुराना। हाँ, पुराना स्कूल भी है, तो उनसे ये खरीदा था। फिर तो मतलब ये अंकल जी का कहना है भाइयों के 130 साल पहले चिड़िया गांव में जब काल पड़ा था, काल का अकेले चिड़िया गांव में देने, वैसे पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में पड़ा होगा। हाँ, पूरे इंडिया। एक बार ऐसा सिस्टम आता जैसे अब की बार कोरोना आया हुआ है। हाँ, तो 130 साल पहले जब काल पड़ा था तो लोगों के पास काम धंधे नहीं रहे थे, सब गरीब पहले होते थे पब्लिक की, तो उन लोगों को काम देने के लिए लाला जी ने उनसे मजदूरी के बदले ये मकान बनवाया था। उनको मजदूरी के पैसे मिल गए थे सबके पास, जो से खाने के लिए किसी ने अनाज खरीद लिया तो किसी ने जो है अपने बर्तन वगैरह जो भी कपड़े जो भी खरीदना चाहते थे लोग, मतलब उनकी भुखमरी के काम पे, हाँ टाइम पे ये काम आ गया। हाँ, था कि उनको मजदूरी मिल गई, काम धंधा मिल गया, लाला जी के पास पैसे थे, उन्होंने पैसे दे के लोगों को और मकान बनवा लिया था। मकान बनवाया और इसके साथ आप देखोगे पीछे की तरफ जो है 4 दीवारी और रखी, और ये 4 एकड़ जमीन इसके साथ है। तो और कुछ हिस्ट्री अंकल जी इसके बारे में? हाँ, इसमें पहले पुराने जमाने में हमारे बाप और कई साल पहले के भर्ती हुए, पिताजी दादा हर की उम्र, दादा हर की हमारे यहाँ भर्ती हुई थी। हाँ, आसपास के गांवों के फौज की भर्ती, फौज की भर्ती यहाँ होया करती। हाँ, फौज की भर्ती यहाँ होया करती, और जिंदिया महाराज इस सेठ के पास यहाँ आते जाते थे, रुके जो जिंद की विरासत के महाराज महाराज था, बनिया जी के पास, बनिया के यहाँ रुकया करते। इसमें कुछ आपको जैसे बड़े दादा परदादा ने पिताजी ने बताया, बनिया का नाम पता है आपने किसके नाम से दिए? पोकर नाम था उसका, पोकर सेठ का, सेठ का पोकर सेठ की विरासत है। हाँ, पोकर सेठ की विरासत है ये, पोकर नाम था उसका। तो मतलब वो जो है हैदराबाद रहते हैं? हाँ, हैदराबाद रहते हैं वो, और वहाँ पे उनका सोने चांदी का, सोना चांदी का व्यापार है, उनको परमिशन मिली हुई है। हाँ, उनका स्कूल और यहाँ पर स्कूल उनके अंडर में है, वैसे मरम्मत वो काम करवा रही है वहाँ भी। अच्छा, गांव का जो सीवर लाइन हुई, ये पाइप लाइन सारी वो करवा रहे हैं, खर्चा वो खुद दे रहे हैं, गांव का कोई भी काम हो। अच्छा, गांव में कोई भी काम हो आज भी खर्चा है? हाँ, वो हैदराबाद से वो सेट करवा रहे हैं गांव में। अच्छा। हाँ, अब स्कूल का ये दो मंजिला और बनवाया ऊपर, तो 40 करोड़ रुपया लग गया था, उसने सेठ ने बनवाया। 40 करोड़ रुपया हाँ, सेठ ने दिया सारा, सब कुछ। चलो अच्छा लगा। एक वो और आप कुछ बता रहे थे कि जैसे महाराजा भी उसी के पास रुकया करते, भर्ती होती थी वो भी? हाँ, भर्ती होया करती इस जगह पर, और जिंदिया महाराज के पास आता जाता, जिंदिया महाराज कई जाते आते थे इस रस्ते से। हाँ, 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 और दादरी मजिस्ट्रेट के साथ में वहाँ उसके वो बाणिया वहाँ बैठा करता। अच्छा, मजिस्ट्रेट के साथ में कुर्सी मजिस्ट्रेट की डलिया? हाँ, उसकी डलिया करती मजिस्ट्रेट के साथ, इसकी जो है पोखर जी लाला पोखर, हाँ लाला जी कुर्सी मजिस्ट्रेट के साथ में डलती, मजिस्ट्रेट हुआ करता जो यहाँ को
फोड़ तोड़ कुछ नुकसान भी हो जाता तो वहाँ बुला लेता उनको, वहाँ डांट लगा दिया करता वो। अच्छा। वहाँ दादरी बुला के डांट लगा दिया करता वो। हमारे चलते उस टाइम मतलब पुराने टाइम की उनकी चौधर थी, चौधर थी उनकी, खूब फुल चौधर थी उनकी, और गांव का कार्ड उसने निकाला था। हम लोग पुराने टाइम पे जो थी जो ये बहुत भुखमरी एकदम से आ गई थी, जैसे अनाज की वो थी, जैसे ज्वार की रोटी या ये कहते हैं ज्वार बाजरे की रोटी, ये रोटी खाया करता वो भी नहीं मिला। 130 साल पहले तो क्यों किसने देखे। हाँ, पशुआन भी ये किकर की वो काट काट वो गाल्या करते, उस टाइम पुराना जमाना का ये मकान है। और अभी वैसे का वैसे आइए, अभी वैसे का वैसे आदि किसान भाई, तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं किस तरह का बना हुआ था अंदर। जैसे इसकी अगर दीवारों की बात करें, दीवारों की इसकी जो है 18 से 24 इंच के आसपास दीवार इनकी, और उस टाइम पे ये देखो पत्थर के सील लगाई जाती थी, और इस तरह से जो गुम्बद नुमा इनके दरवाजे होते थे बनाए जाते थे। और ये एक कमरा इस साइड में, इसमें अंदर आप देख सकते हो, और इसकी छत भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गुम्बद नुमा छत होती थी, बिल्कुल गोलाई टाइप की। और उसमें देखो बीच में आपको दिख भी रही होंगी जो छोटी छोटी इट्टे हैं गोलाई में, और उसको चुन्ने में मिला के मिक्स किया जाता था तब उसकी चढ़ाई होती थी। और ये भी देख सकते हो आप, ये वाली छत भी किस तरह से गुम्बद नुमा है, और इसके पीछे जो ताऊ जी ने इसमें तूड़ा भर रखा है, लेकिन ये पीछे से आप देख सकते हो इसकी छत। आज तक इसके अंदर कोई टपका वगैरह इस तरह की तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी ना, बिल्कुल। एक ये कमरा था, नहीं भी को नहीं। हाँ, एक ये कमरा था बराबर में। अच्छा, ये रसोई थी उस टाइम, रसोई थी। और एक ये पड़काला इसके अंदर बनाया गया था, पेड़ा जिसको बोल देते थे लोकल में, बिल्कुल बहुत खड़ा पेड़ा है, और मतलब काफी मजबूत मकान है। मैंने भी देखा इसकी 130 साल पुराना, कोई नमी नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आज तक। ये आपको दिख भी रहा होगा, देखो इतनी छोटी छोटी इट्टे होती थी इसमें, ये थोड़ा सा जैसे इसका प्लास्टर वगैरह टूटा हुआ है, और ये इस तरह के छज्जे होते थे, आपने देखे होंगे छज्जे तो नॉर्मल देखे होंगे आप लोगों ने अपने गाँव में। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। अरे भैया, राम राम और नमस्कार।